Good morning, people. So it's 6:15 in the morning, and I have to wake up. And right now I'm in Shimla. I'll take you to my college in this vlog. Before that, I have to drink some water. Look at the serene view, and it's 6:20, I guess. अभी थोड़ी देर पहले बहुत अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा pretty view है. This is Shimla, and this is Aditya, and this is my room. तो आज का vlog is all about a day in my life in Shimla. So I'll take you to my college. और मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल और सब कुछ. तो बने रहिए. But before that, I have to clean my bed. Sorry, Tasleem. So, we have a little bhaji. Good morning. So, good morning to people. So, abhi hum bana rahe hain breakfast. Kahin bhi jana hai apne kaam ke liye. And aur abhi main jaunga fresh hone bahane aur चपातीस बना लूँ. मैं चपातीस बनाऊँगा जी. तो चलते हैं. तो देखते मेरी रोटी कौन बनती थी. बनती है मैंने So I'm ready for college और ये है मेरे साथ बनोडो में जानते हो आप. तो let's go. अभी right now we are in Chakkar and we have to take bus from Chakkar bus stop to 103. तो वहाँ पे उतरना है, फिर वहाँ से हमें चौड़ा मैदान के लिए जाना है. एंड चलो चलते हैं, आपको अपने साथ ले चलेंगे शिमला की वादियों में. This is Chakkar bus stop. We have reached Gate City, 103. यहाँ से हमें ऊपर जाना है. वैसे बहुत सारी स्टेयर्स हैं, बहुत चलना पड़ता है ऊपर को, फिर एकदम से नीचे. दिस प्लेस इज कॉल्ड चौड़ा मैदान. सो इट्स टोटली लाइक अ ज़िगज़ैग. पहले हमें ऐसे ऊपर चढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे जाना है, फिर उसके बाद और नीचे जाना है. दिस इज़ द बोर्ड ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौड़ा मैदान शिमला. एंड दिस इज़ आवर कॉलेज, माइन कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चौड़ा मैदान. एक्चुअली जो राजीव गांधी कॉलेज है
उन्हीं की बिल्डिंग में अभी हमारा कॉलेज है. हमारी जो कॉलेज की न्यू बिल्डिंग है वो अभी रेडी हो रही है, तो जो हमारा कॉलेज है उससे बने हुए भी ज़्यादा साल नहीं हुआ. इट्स लाइक 2016 और 15 में ही जो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है हमारा कॉलेज वो बना था. और अभी नेक्स्ट ईयर तक तो मे बी हमारा जो न्यू बिल्डिंग है कॉलेज का वो रेडी हो जाएगा, तो हमें वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा. और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज की ओर. सो नाउ वी हैव रीच्ड राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय. इट्स नॉट आवर कॉलेज वैसे. यहाँ से भी नीचे है, सबसे लास्ट में बिल्डिंग दिख रही है, दैट इज आवर कैंपस. And here we are. This is our college, my college, Jawaharlal Nehru Government Degree College of Fine Arts. It's a chota sa college, pyara sa college. So let's come in. These are the artworks from the past our students, and these are the teachers of our college. And this is principal's office, and this is our department, dance department, and this is applied art. And this is music, vocal. And let's get in. So this is our classroom. And this is me, Aditya. And let's open this. और सबसे पहले हम आकर यहाँ पे रोज़ पूजा करते हैं. अभी सफाई भी करनी है हमें. ये हमारा मंदिर है और ये हो रहा है. और यहाँ पे ये गुरुजी का स्थान है जहाँ पे गुरुजी हमको बैठ के सिखाते हैं कथक की बारीकियाँ. सो मैंने आपको नहीं बताया दैट आई एम परसुइंग बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कथक डांस. इट्स अ 4-year कोर्स एंड इट्स माय first year here, and it's a beautiful experience. अगर आप भी इच्छुक हैं कथक में, आप डिग्री लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर यहाँ पे एडमिशन लें. जो भी हिमाचली हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये. और गुरु जी जो सिखाते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है. और बस एक बार आप आइए और देखिए. और अभी मिलाते हैं आपको सभी से. हमारे प्यारे प्यारे सीनियर्स भी आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे. दिस इज़ वोकल डिपार्टमेंट. यहाँ पे संगीत सीखा जाता है. मेरा माइनर सब्जेक्ट अभी वोकल है एंड तबला है. और ये स्कल्पचर्स है जो यहाँ पे बनाए हैं स्टूडेंट्स ने. एंड दिस इज़ अप्लाइड आर्ट्स रूम. छोटा सा है अभी हमारा कॉलेज बट बहुत ही प्यार है. हमें हमने ये सारा क्लीन किया.
मैं आपको अपने प्यारे सीनियर से मिलाने चाह रहा हूँ। ये हमारी सबसे प्यारी सीनियर दीदी रवीना दीदी, और ये हमारी सीनियर है और बहुत हेल्प करते हैं हमारे, हमें सिखाने के लिए। और ये है हमारी उज्ज्वला दीदी, हेलो। ये भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प करते हैं, छोटे गुरु जी है ये हमारे दोनों। और ये है सोनिया, ये मेरी क्लासमेट है, हम सेम सेमेस्टर हैं। और रवीना दीदी भी एक यूट्यूबर है मेरी तरह, हेलो। तो इनका चैनल भी आप ज़रूर देखें, और ये आओ ना। और आप कुछ बोलो, यहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब इस कॉलेज में? ये कॉलेज हमारे लिए मतलब कॉलेज नहीं है, मतलब हमारे लिए बहुत, मतलब हम इनको बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम कॉलेज में ही बिताते हैं, इतना ज़्यादा हम अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बिताते। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि हम आते हैं यहाँ पर और रियाज करते हैं, और मतलब बिल्कुल मर्जी ना, बिल्कुल अपना बिल्कुल मंदिर जैसा हमने यहाँ पर, जैसे हमने अभी आपने देखा हमने क्लीनिंग किया यहाँ पे, बाहर से भी आते हैं साफ करने वाले, बट हम खुद करते क्योंकि अपना, मतलब अगर आप जितनी मेहनत दोगे, जितना आप यहाँ पर टाइम लगाओगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। ये कोई ऐसी शोशेबाजी नहीं कि हमारा काम है, ये अपनी आपकी एक वो है कि आपकी इच्छा है कि आपको अगर सफाई करनी है तो करो, नहीं करनी है तो। आप कितने साल से आ रही होती यहाँ पे? मुझे हो गए हैं 4 साल। ओके, 4 साल, और मेरा पहला साल है, अब देखते हैं मेरा भी कैसा रहता है, और बहुत ही अच्छा रहेगा मुझे पता है। ये चलो मिलते हैं आप गुरु जी के आने पर। अभी हम पूजा करेंगे, तो यहाँ पे दीदी पूजा की थाली बना रहे हैं, और ये सारे घुंघरूज हैं जिसकी रोज पूजा करते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद लेके हम पहनते हैं। 1, 2, 3